श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं त्रयोशदशाधिकशतमः सर्गः <coughs> इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः लंका मनुज्ञाप्य विभीषण ततस्तेनाभ्युज्ञा हनुमा तो हनुमान वाटि संप्रवेश यथा न्याय सीताया विदि हरी ददश मृजया रोहिणी रोहिणीमिव वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसी विपरिवृतां निवृता अप्राणत प्रहः सो बिगम्यापि वाद्यच दृष्टा समागतं दृष्ट्वा समागतं देवी हनुमंतं महाबलं तुष्णीमास्थ तदा दृष्ट्वा स्मृत्वा हृष्टा भवत्तदा सौम्यं रतस्य मुखं दृष्ट्वा हनुमान् प्लवगौतम रामस्य वचनं सर्वम सर्वमाख्यातुं उपचक्रमे वैदेही कुशली रामः सुग्रीव सह लक्ष्मणः विभीषण सह अयश हरिणां सहितो बलैः कुशलं द्वाह सिद्धार्थो हत शत्रुर विभीषण सहायेन रामेन हरि सह निहतो रावणो देवी लक्ष्मणेन च वीरयवान दृष्ट्वा तुकुशलम रामो वीरस्वाम रघुनंदनः अब्रवी परम प्रीतः कृतारतेनांतरात्मना प्रियमाक्यामे प्रियमाक्यामिते देवी भूयष्यत्वां सभाजये तव प्रभावात् धर्मज्ञे महान आ, महान रामेण संयुगे लब्धो यम विजयसीते स्वस्त भवगत रा, ज्वरा रावण हत शत्रुर्लंकां चैव वशीकृता मया मया निद्रेण धृतेन तव निर्जये प्रतिज्ञै प्रतिज्ञैषा विनिस्तीर्णा बद्ध्वा सेतुं महो ददौ न कर्तव्य वर्तन्त्यां रावण रावणालये विभीषण विधेयं हि इदं कृतं तदा

धरिवर सीताम प्रति जलपति किं त्वं चिन्तयसे देवी किं च मां नाभिभाषसे एवमुक्त्वा एवमुक्ता हनुमता सीता धर्म पते स्थिता अब्रवीत परम प्रीता बाष्पगद्गदया गिरा प्रियमेतुप्रुत्य भर्तुर्जय संश्रित प्रहर्ष वश बापन्न निर्वाक्य निर्वाक्यास्मीक्षण निर्वाक्या नहि पश्यामि सदृश चिंतती प्लवंगम आख्यानको दात प्रत्यनंदनम न च पशा सदृश पृथिव्यां

बर्तु प्रियाहिते युक्ते बर्तुर् विजयकांक्षिणै स्निग्धमेवम विधं वाक्यं त्वमेव arhस्य निन्दितै ततैव त्वज ततैत तत... त्वैतत्वचनं सौम्ये सारव स्निग्धमेवच रत्नैघात रत्नैगा द्विविदाचापि देवराज्या वि... विशिष्ट्यते अर्थ अततश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिलीजनकात्मजा ततः शुभतरं वाक्यं उवाच पवनात्मजम् अतिलक्षणसम्पन्नं माधुर्यगुणभूषणं बुद्ध्या हृष्टाङ्गया युक्ता

प्रत्येव शोभनाः अतो वाच पुनः सीताम् असंभ्रांतो विनीतवत् प्रहृत प्रगृहीत अंजलिर्हर्षात् सीताया प्रमुखे स्थितः इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वं मनुमन्यसे हन्तुमिच्छामि ता सर्वा क्लिश्यी पतिश पतिदेवामशवनिका गता घोरूप सचारा क्रूरा क्रूर क्रूरतरेक्षण इह श्रुता मैया दी राक्षसोंकृत नसकृत्षर्वाक्यद रावण्ञया विकृता विकृता कारा क्रूरा क्रूर कच चेत क्षेक्षण इच्छा विविध अघातर्वंतुमेता सुदारुणा राक्षस्यो दारुण कथा वर में प्रयच्छ मे मृष्टि पार्षिगात विशालाश बाहुभि जा जंगा जानु प्रहार दंता चीड़न भक्षण कर्णनाशा केशाना लुंजन स्थता ृशं शुष्कमुखैशैव दारुणैलङ्घनैर्हतैः विभिन्न शङ्कुग्रीवाशा पार्श्वकैश्वपार्श्वकैश्च कलेवरैः निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणी एवं प्रहारैर्बहुभिः सम्प्रहार्य यशस्विनी गातये तीव्ररूपा भीर्याभिस्त्वं तर्जिता पुरा इत्युक्त्वा सा हनुमता कृपणादीनवत्सला हनुमन्तमुवाचेदं चिन्तयित्वा विमृश्य च राजसंश्रयवश्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोतम भाग्यवैषम्य दोषेण पुरस्ता दुष्कृतेन च मयैतत् प्राप्यते सर्वं सत्स्वकृतं यप ह्यप पूज्यते मैवं वद महाबाहो दैवी हेष परागतिः प्राप्तव्यं तु दशयोगान् दशयोगान् मयैतदिति निश्चितं दासीनां आज्ञप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तर्जयन्ति माम् इते हते तस्मिन्न कुर्वन्ति तर्जनं मारुतात्मज अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धर्मसंहितः

लोकहिंसविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणां कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् एवमुक्तस्तु हनुमान् सीतया वाक्यकोविदः प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीमनिन्दितां युक्ता रामस्य भवति धर्मपत्नी गुणान्विताम् प्रतिसन्दिशमाम् देवी गमिष्ये यत्र राघव एवमुक्त्वा हनुमत वैदेही जनकत्मजा साब्रवी दृष्टुमिच्छा दृष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमात्मारुतात्मजः तस्यस्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमन्मारुतात्मजः हर्षयन मैथिलीं वाक्यं मुवाचेदं महर महामतिः पूर्णचंद्रमुखं रामं द्रक्षं द्रक्ष्यस्यद्य स लक्ष्मणं स्थितमित्रं हता मित्रं सुरेश्वरं तामेव मुक्त्वा ब्राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियं आजगाम महातेजा हनुमान यत्र राघवः सपति हरि हरिवर स्थो हनुमान प्रतिवचन जनकेश्वरात्मजाया कथित कथय अताक्रमेण यथाक्रमेण त्रिदश वर प्रतिपा प्रतिमाय राघवाय इशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीक आदि काव्ये युद्धकांडे त्रयोदशाधिक शततमः सर्गः